है आप लोगों के लिए? ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि हम सब सदस्य अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खुशी अनुभव कर रहे हैं। परिवहन संघ विगत 2 वर्षों से बंद पड़ा था, आज वो खुल रहा है। और ये हमारे भूपेश बघेल जी, आदरणीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, उनको हम आभार व्यक्त करते हैं। परिवहन संघ के सब भाइयों सदस्यों सब हम आज साथ में खड़े हैं और ये अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। परिवार था वो लगभग करीब सब लोगों के, अगर फैमिली को मिला के किया जाए तो 50,000 से 70,000 के बीच में, और हम लोगों के बीच में 2 साल के अंदर में इतनी विपता पड़ी है कि हम लोगों की गाड़ियों के टैक्स पढ़ा नहीं पाए, किस्तें पढ़ा नहीं पाए, और बच्चों की फीसें नहीं पढ़ा पाए, कई लोगों के घर के चूल्हे नहीं जले। और उसके बाद में हम लोगों ने बहुत प्रयास किया जो उस समय पार्टी थी, लेकिन उन्होंने हमारा कहीं साथ नहीं दिया। लेकिन हम माननीय भूपेश जी बघेल का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बस्तर परिवहन संघ के बारे में मुझे मालूम है कि जब उसके खिलाफ कार्रवाई हुई थी शर्ट उतार के यहीं तक के लोग आए थे, उनको भी गिरफ्तार करके पुलिस ले गई थी, उन लोगों से मिलने में जेल गया था। आज इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि बस्तर परिवहन संघ का ताला फिर से खुलेगा। देखिए, बस्तर परिवहन संघ के समस्त सदस्यों के लिए और कम से कम 35 से 40 हजार परिवारों को जो है 1.5 साल से भाजपा शासित काल में जो भी यहाँ के विधायक मंत्री ने देवबाषपूर्ण मतलब एक अपने बदले की भावना से बस्तर परिवहन संघ को बंद कर दिया गया था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे यहाँ के लोकल विधायक ने और हमारे दीपक बैज जी ने, लखमा जी ने इसका प्रणय लिया था कि भाई जैसे ही हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी हम पुनः जितने हजारों लोग आज रोड पर आ गए थे और जिनकी किसी की किस्तें नहीं पट रही हैं, कोई आत्महत्या करने को तैयार था और ऐसे कई लोगों ने आत्महत्या भी की है, तो उनको न्याय मिलेगा और हजारों लोगों को जो है इसका रोजगार प्रारंभ होगा और लोगों को जो है रोजी रोटी नसीब होगी।